वेक्टर चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, क्लास 12 मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर मैथ्स 1 एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वैक्टर्स। ये देखेंगे जो ए बार और बी बार यहाँ पर इंक्लूड है, दे आर नॉन कोलिनियर वैक्टर। नॉन कोलिनियर वैक्टर मतलब वो लोग एक ही लाइन में नहीं है, या तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो गिवन दैट सी बार इज दिस एंड डी बार इज दिस, मीन्स सी बार एंड डी बार आर गिवन कोलिनियर, दीज बोथ आर कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर है। देखो ध्यान से, ए बार और बी बार कोलिनियर नहीं है, बट सी बार एंड डी बार आर कोलिनियर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जो ये एक्स है, यहाँ पर एक्स अननोन वैल्यू, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, सो एज यू नो सी बार एंड डी बार आर कोलिनियर, दिस इज गिवन। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, इस तरह से ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर कोलिनियर है, सो दे आर, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर। मतलब क्या, जैसे सी बार और डी बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं डी बार इज इक्वल टू सी बार इन टू एनी कॉन्स्टेंट के और एनी नंबर, और सपोज आई टेक टी, ओके इन मोर ऑफ द एग्जाम्पल टी इज गिवन, सो लेट अस यूज टी। एक टी क्या है, स्केलर मल्टीपल है। डी बार और सी बार कोलिनियर है, तो डी बार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी बार और स्केलर मल्टीपल विथ सी बार। तो ये डी बार टी इंटू सी बार, ये कब होता है, जब कोलिनियर होगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जब भी कोलिनियर बोलेगा, कोलिनियर है, दो वैक्टर्स कोलिनियर है, तो आप उनको इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो और हमेशा टी यूज करो। अभी देखो दूसरा भी कुछ लेटर यूज करना है टी के बदले, कर सकते के एम ऐसे चलेगा, बट एग्जाम्पल्स में टी दिया, इसलिए हम लोग टी यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करो, ये डी बार टी इंटू सी बार है, तो ये डी बार और सी वेक्टर यहाँ पर रख दो वैल्यूज, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये जो है वो आ जाएगी। कैसे आएगी देखते हैं। डी बार इज गिवन 2x प्लस 1 ए बार माइनस बी बार, ये डी बार का आंसर हुआ इक्वल टू टी, ओके ये डी बार था टी इंटू नाउ सी बार। सी बार इज दिस एक्स माइनस 2 ए बार प्लस बी बार। अब क्या करना, दोनों साइड को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे देखो, ये जैसा ऐसे ही रखो 2x प्लस 1 ए बार माइनस बी बार, यहाँ भी ए बार और बी बार है, तो आप जो t है उसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 इंटू टी ए बार प्लस टी इंटू बी बार, ऐसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी ए बार बी बार है, राइट साइड में भी ए बार बी बार है। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखो ए बार के साथ में क्या है, x माइनस 2 टी, और यहाँ ए बार के साथ क्या है 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू टी। ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो ए बार का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, एंड नाउ बी बार कोएफिशिएंट इज व्हाट माइनस 1, सो माइनस 1 यहाँ पर बी बार का कोएफिशिएंट है, यहाँ बी बार का कोएफिशिएंट क्या है टी, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये टी जो है, टी यहाँ पर यूज करना, कैसे आएगा देखो, 2x प्लस 1 x माइनस 2 और ये t क्या है माइनस 1 यहाँ रख दिया। सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2, माइनस x इस तरफ आया तो 2x प्लस x 3x, प्लस 1 वहाँ गया 2 माइनस 1 1, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहाँ 3 का मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। सो हमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और x की वैल्यू देखो आ गया। इतना इजी है ये थर्ड क्वेश्चन। जब भी कोई दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर को एक दूसरे का जो लीनियर कॉम्बिनेशन, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और ऐसे आपको करना होगा। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड के बाद, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, चेक वेदर द वैक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वैक्टर्स। यानी कि एक वैक्टर दिया है और दूसरे जो दो वैक्टर हैं उनका वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी वो चेक करना है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला, ये तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से दिए हैं, बट सबको सॉल्व करने का मेथड सेम है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है देखो, इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर, यानी ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो एम निकालो। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, सबका मेथड एक ही है, इसलिए मैं एक साथ आपको समझा रहा हूँ। इफ ए बार बी बार एंड सी बार थ्री वैक्टर्स आर गिवन, देन फाइंड द स्केलर एम एंड एन सच दैट सी बार इज एम ए बार प्लस एन बी बार।
तो ये तीनों क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही मेथड से है। मैं फिफ्थ वाला आपको बताता हूँ, फिर फोर्थ और सिक्स्थ का हिंट भी आपको दूंगा। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। देखो फिफ्थ फिर से एक बार, इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो क्या करोगे, देखो ये जो पहला वेक्टर है इसको आप नाम दो खुद से ए बार, लेट कर सकते हो लेट, दिस इज बी बार, दिस इज सी बार, इस तरह से आप खुद से नाम दे सकते हो। फोर्थ और सिक्स्थ में नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आप खुद से नाम दे सकते हो। ए बार बी बार सी बार दीज आर कोप्लेनर, तो आई कैन राइट ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर देन फाइंड एम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, अगर वो कोलिनियर होते हैं तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई तीन वेक्टर है जो कोप्लेनर है, थ्री वेक्टर्स है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ए बार बी बार सी बार प्लस, और यहाँ पर इसको स्केलर मल्टीपल दे सकते हैं इस तरह से, या तो ऐसे दे सकते हैं ए बार बी बार सी बार ये इक्वल प्लस यहाँ एम और यहाँ एन, एम और एन क्या है स्केलर मल्टीपल है, तो यहाँ पर कुछ भी आप स्केलर मल्टीपल में ले सकते हो, जैसे टी वन टी टू या एम एन, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब कोलिनियर होगा तो दो वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होना या तो पैरेलल होना, अगर दो लाइन है दोनों का एक पॉइंट कॉमन है ए, तो वो कोलिनियर एक ही लाइन में होते हैं। कोप्लेनर होने का मतलब क्या है, कोप्लेनर मतलब वी हैव मेनी वेक्टर्स एंड ऑल वेक्टर्स आर इन अ सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन इस तरह समझ सकते हैं, एक ही प्लेन में सब वेक्टर है। तो ऐसे कंसेप्ट में अभी कोलिनियर का तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों भी कोप्लेनर से रिलेटेड है ऐसे, बट क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में कोप्लेनर लिख के नहीं दिया है, बट इस फॉर्मेट में एक एग्जाम्पल दिया है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, वो चेक करो। फोर्थ में बोला है ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन करके चेक करो, सिक्स्थ में बोला है ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है तो एम और एन की वैल्यू फाइंड करो, और फिफ्थ में डायरेक्ट बोला है कि ये कोप्लेनर है। तो हमको समझना है कि जब भी कोप्लेनर बोलेगा तो हमको ये लीनियर कॉम्बिनेशन से ही करना है। ठीक है, तो मैं अभी ये जो सॉल्यूशन बताऊंगा, इस सॉल्यूशन का जो मेथड होगा फोर्थ और सिक्स सेम मेथड से होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर है, तो मैंने आपको ये बताया लीनियर कॉम्बिनेशन, चलो ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, यहाँ क्या करोगे दोनों के साथ एक स्केलर मल्टीपल दे दो टी वन और टी टू, हो गया क्या। अब ए बार बी बार सी बार की वैल्यूज हमको पता है इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर कैप यूज करना है हर बार, ये जो आई जे के होते हैं ये आपको पता है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनको आप कैप देते हैं इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप होता है। ठीक है, तो ये तीनों ना ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, उनका मैग्नीट्यूड वन होता है, इसलिए इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ भी देखो आई जे के, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। करना क्या है हमको, क्या बताना है, कोप्लेनर है यानी हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है ऐसा है, मतलब कोप्लेनर के बदले ये दिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कोप्लेनर लिख के दिया तो हम ये लिखेंगे। मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आया तो आप सेम मेथड से कर पाएंगे। ए बार बी बार सी बार की वैल्यूज हमें यहाँ पर दिए, तो हम वैल्यूज लिखते हैं। ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू टी वन। नाउ बी बार, बी बार इज गिवन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस टी टू, और सी बार, सी बार कैसे है देखो, इंटू है यहाँ पर टू आई कैप थ्री जे कैप प्लस एम के कैप। अब इसका फ़ायदा कैसे होगा, अभी आपने थर्ड क्वेश्चन जो सीखा इसके पहले उसमें कैसे हमने LHS और RHS को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर ली, वैसे ही इसको भी कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करनी है। बट वहाँ क्या था, ए बार और बी बार था दोनों साइड में, तो ए बार और बी बार के कोएफिशिएंट हमने कंपेयर किए थे। यहाँ पर देखो आई जे और के है, यहाँ भी आई जे के है, तो आई जे के को इस तरफ है तो उस तरफ भी आई जे के एक ही बार आना चाहिए, बट यहाँ तो आई दो दो बार है, जे दो बार है, के भी दो बार है, तो आप क्या करोगे जितने भी आई है राइट साइड में उसको एक साथ लाओ, जे वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ, फिर दोनों साइड में आई जे के आ जाएंगे और उनके कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो ये टी वन का मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो टी वन इंटू आई टी वन आई कैप टी वन जे कैप प्लस टी वन के कैप, सेम वे से टी टू गया तो टू टी टू आई कैप प्लस थ्री टी टू जे कैप प्लस एम टी टू के कैप, हमने क्या किया इस टी टू को सबसे मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे जो आई कैप वाले उसको एक साथ लाओ, कौन है आई कैप वाला, ये आई कैप है और ये आई कैप है, टी वन प्लस टू टी,
और यहाँ से आई कैप कॉमन है इस तरह से। अब जे वाले को देखो, ये जे है और जे यहाँ पर है, तो इस तरह से करते हैं। ये क्या है देखो, यहाँ माइनस टी वन है, माइनस टी वन प्लस थ्री टी टू, और दोनों का जे कैप कॉमन। अभी के कैप देखो, ये के टी वन के कैप एंड एम टी टू, तो टी वन यहाँ पर है टी वन और यहाँ पर एम टी टू और इनका के कैप। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखोगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। अब दोनों साइड को इक्वेट करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ आई के साथ क्या है, टी वन प्लस टू टी, यहाँ आई के साथ कुछ नहीं है, वन है। देयरफॉर ये जो है आई का कोएफिशिएंट टी वन प्लस टू टी वन, टू टी टू है ये, हाँ टी वन ये टू टी टू था, टी वन प्लस टू टी टू आई के साथ जो कोएफिशिएंट है, यहाँ आई के साथ कुछ नहीं है तो वन है, वन हो गया। नाउ जे वाला, जे ये क्या है, माइनस टी वन प्लस थ्री टी टू, ये दैट इज इक्वल टू वन। ये क्या हो गया देखो, टी वन प्लस एम टी टू दिस इज इक्वल टू वन। तो हमने क्या किया, आई जे के जो कोएफिशिएंट थे उसको कंपेयर किया। इस तरह से हमारे पास थ्री इक्वेशन मिल जाते हैं, वन टू एंड थ्री। अब था क्वेश्चन वेक्टर का, लेकिन अब आ गया यहाँ पर अलजेब्रा। जो टेंथ में आपने अलजेब्रा का मेथड सीखा था, कोई भी दो इक्वेशन होगा उसको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना, वो सेम वे से आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे ही आप वो करोगे तो आपको M की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो यहाँ पर हम लोग उसको करते हैं, ये रफ कर देता हूँ, मैंने रफ वो किया था यहाँ पर। इसको आगे हम लेके जाते T1 प्लस टू टी टू और यहाँ माइनस T1 प्लस थ्री टी टू। इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दोगे, अगर एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, टेंथ का मेथड यूज़ करते, यहाँ टी वन है यहाँ माइनस टी वन है, दोनों को ऐड करोगे टी वन माइनस टी वन जीरो हो जाएगा, टू टी टू और थ्री टी टू ऐड होके फाइव टी टू आ गया, और इक्वल के उस साइड वन प्लस वन हो गया टू, तो टी टू इज इक्वल टू फाइव इन टू था ये, उस तरफ गया के टू अपॉन फाइव आया। एम कहाँ पर है देखो, यहाँ पर, बट यहाँ पर हमें टी टू पता है, टी वन भी पता होना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन, या तो ये टी टू की वैल्यू यहाँ रख देते फ्रॉम वन, फ्रॉम वन क्या आ जाएगा देखो, टी वन, टी वन प्लस टू टाइम्स टी टू, टी टू क्या है टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन, क्या आएगा देखो आंसर, टी वन प्लस टू टू ज़ा फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन। सो टी वन इज इक्वल टू वन, ये उस तरफ गया तो माइनस फोर अपॉन फाइव, टी वन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई फाइव वन ज़ा फाइव माइनस फोर वन अपॉन फाइव, टी वन आ गया। अब देखो हमें m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ थर्ड इक्वेशन है फ्रॉम थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री यू कैन राइट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, t1 है वो 1 अपॉन फाइव है प्लस m, m कहाँ है देखो, m तो फाइंड करना है, m t2, t2 यहाँ 2 अपॉन फाइव आया इज इक्वल टू वन। ईजी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ अपॉन फाइव है, सब में फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइव फाइव कैंसिल वन आ गया, यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइव फाइव कैंसिल टू एम आ गया, और यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइव आया। सो टू एम इज इक्वल टू फाइव, ये वन उस तरफ गया तो माइनस वन, टू एम इज इक्वल टू फाइव माइनस वन फोर, एंड एम इज इक्वल टू फोर अपॉन टू, एम इज इक्वल टू टू। क्या करना था हमें फाइंड, हमें करना था फाइंड एम, ये कोप लेना था तो एम फाइंड करो, तो इस तरह से हमें एम मिल चुका है। अभी जैसा हमने फिफ्थ किया, फोर्थ और सिक्स्थ मैंने जो बताया आपको सेम है, चलो एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द वेक्टर्स, दिस वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो इसको आप नाम दे दो आर बार, जिसको प्रूफ करना है लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, इसको नाम दिया ए बार, इसको नाम दिया बी बार, या तो आप कुछ अलग नाम देना है तो भी दे सकते हो एच पर यू, इसको ए बार बी बार सी बार, नहीं तो आप बोलोगे कब कैसे पता चलेगा किसको क्या नाम देना, अपने हिसाब से आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो नाम दे सकते हैं। नाउ चेक वेदर द वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, चेक वेदर दिस वेक्टर ए बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर, चेक करो क्या ये पहला वेक्टर है ये दूसरे दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब पहला वेक्टर ए बार दूसरे जो दो वेक्टर है बी बार और सी बार इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या नहीं वो चेक करो, यानी हमें चेक करना है क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं। तो अभी जो कोप्लेनर वाला क्वेश्चन फिफ्थ था उसमें क्या था ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर, तो हम ऐसे करते थे ठीक है, तो यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे, आप क्या करोगे ए बार की जगह वैल्यू रख दो ये, बी और सी की जगह उसकी वैल्यू रखो,
फिर टी वन टी टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आई जे के एक साथ करो, दोनों साइड के आई जे के जो कोएफिशिएंट है वो कंपेयर करो, फिर टी वन टी टू से रिलेटेड थ्री इक्वेशन आएंगे, तीनों इक्वेशन को अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करो टेंथ के जैसा, टी वन और टी टू की वैल्यू आएगी, और लास्ट में क्या करना, ए बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, आपको टी वन टी टू की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। सपोज टी वन की वैल्यू टू मिल गई और टी टू की वैल्यू थ्री मिल गई, सपोज हाँ ये मिलेगा कि नहीं फिक्स नहीं है, तो आपको लास्ट में क्या करना है, ये लिख के टी वन कहाँ है वहाँ पर टू और टी टू जहाँ है वहाँ थ्री, तो हो गया। बाद में बोलने का येस वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि टी वन टी टू की वैल्यू फाइंड हो गई, अगर वो नहीं फाइंड हो पाता तो हम बोलते नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, फिफ्थ के जैसा ही था, फिफ्थ में कोप्लेनर बोला था, यहाँ बोला है लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं चेक करो, तो मेथड सेम है, ठीक है। यहाँ टी वन टू और थ्री आएगा कि नहीं वो फिक्स नहीं है, बट आपको टी वन टी टू की वैल्यू निकाल के लास्ट में यहाँ रखना है। सेम वैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्या है, टेक्स्ट बुक में ए बार दिया हुआ है, बी बार दिया हुआ है, सी बार दिया हुआ है, कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने ए बार बी बार सी बार खुद से लाया था। बोला है कि सी बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार, जो सी बार है वो ए बार और बी बार का लीनियर कॉम्बिनेशन है। फाइंड एम एन, यहाँ पर देखोगे इसमें जो एम और एन है, जो यहाँ पर T1 और T2 था उसको फाइंड कैसे किया था हमने आपको पता ही है, तो वही तरीके से M और N है तो वही करना है। जो C बार है 3i माइनस के यहाँ लिखोगे, इसमें J नहीं है तो J नहीं है तो J का कोएफिशिएंट जीरो है, फिर M A बार की जगह पर ये डाल दोगे यहाँ पर, प्लस N B बार जहाँ ये रख दोगे, फिर A बार यहाँ पर क्या होगा, दो 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 i आएगा, दो J, उसको एक साथ लाओ कंपेयर करो, थ्री इक्वेशन मिलेंगे, तीनों इक्वेशन को टेंथ के मेथड से सॉल्व करो, आपको जैसे यहाँ T1 T2 मिल रहा था वैसे M और N की वैल्यू मिल जाएगी, हो गया सिंपल, इस तरह से सिक्स करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ वाला क्या है। देखो टेक्स्ट बुक में आर द फोर पॉइंट्स ए बी सी डी, आर द फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर, क्या ये फोर पॉइंट जो है वो कोप्लेनर है, जस्टिफाई योर आंसर, अगर वो कोप्लेनर है तो जस्टिफाई करो। तो फिर से देखते कोप्लेनर का कंसेप्ट, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई थ्री वेक्टर से ए बार बी बार सी बार, तो हम क्या करते हैं इन तीनों को एक दूसरे का जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि हाँ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ है तो वो कोप्लेनर होता है। लेकिन इसमें तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वेक्टर तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका पोजिशन वैक्टर फाइंड करते हैं। जो ए है उसका पोजिशन वैक्टर क्या आएगा, ए, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना इसमें एक्स वाई जेड पॉइंट्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, हर बार पहले पॉइंट में आई कैप, दूसरे पॉइंट में जे कैप और तीसरे पॉइंट में के कैप अटैच करना है। जैसे वन, तो वन आई कैप, तो वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस वन जे कैप प्लस वन के कैप, जहाँ भी वन हो नहीं लिखे तो चलेगा, ये ए बार हो गया। बी बार की बात करेंगे, माइनस वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस वन के कैप। सी बार की बात करेंगे, वन आई कैप प्लस जे कैप के कैप, वन नहीं लिख रहा हूँ मैं, वन के अलावा टू थ्री कुछ होगा तो उसके साथ लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो डी, तो स्मॉल डी बार, पोजीशन वेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जैसे कैपिटल ए उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार आएगा, और पोजीशन वेक्टर में हमेशा आई जे के अटैच करना है। जैसे डी, तो कैपिटल डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी बार, तो यहाँ टू माइनस थ्री फोर है, तो आप टू के साथ आई कैप, माइनस थ्री के साथ जे कैप और फोर के साथ के कैप। यहाँ क्यों नहीं था नंबर, क्योंकि सब वन था, वन नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमें वेक्टर्स मिल गए, बट अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है कि फोर पॉइंट है, इस तरह से देखोगे ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स। अब ये जो फोर पॉइंट्स है वो कोप्लेनर है कि नहीं, कोप्लेनर मतलब ये जो फोर पॉइंट्स है वो एक ही प्लेन में है क्या, तो वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पोजिशन वैक्टर है तो हम ऐसे करेंगे ए बी, एक कोई भी एक पॉइंट कॉमन लेते, मान लो मैं ए को कॉमन लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ए, ए बी ए डी और ए सी, इस तरह से मैं थ्री वेक्टर एज्यूम करता हूँ, ए बी ए सी और ए डी, ठीक है। क्या हो गया, ए बी बार ए सी बार और ए डी बार, ये थ्री वेक्टर्स मैं लेता हूँ, और तीनों वेक्टर को ना मैं देखता हूँ कि क्या मैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर पाता हूँ कि नहीं। बट ए बी बार तो यहाँ दिया नहीं है, तो आप ए बी बार फाइंड आउट करोगे। ए बी बार कैसे करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में बताया था, जो ए बी बार है उसमें जो बी है उसका पोजीशन वेक्टर, माइनस फर्स्ट में जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर, इस तरह से करना होगा। कैसे आएगा वो, तो बी बार क्या है देखो यहाँ पर, ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये बी बार है, माइनस ए बार,
ए बार ये रहा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको सॉल्व करेंगे देखो माइनस आई कैप माइनस आई कैप तो माइनस टू टाइम्स आई कैप प्लस जे माइनस माइनस प्लस जे वन जे वन जे प्लस टू जे कैप प्लस के कैप माइनस प्लस माइनस के कैप, देखो ये प्लस के कैप है और माइनस प्लस माइनस के कैप कैंसिल होगा, ये ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर सब साइन चेंज हो जाएगा, तो हमें ए बी बार मिल गया इस तरह से माइनस टू आई प्लस टू जे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो टू कॉमन और माइनस आई प्लस जे कैप, ये रखो या ये रखो चलेगा। अभी तक मैंने एक ही वेक्टर फाइंड किया, अब आप क्या करोगे ए सी और ए डी भी फाइंड करो। ए सी कैसे करेंगे, ए सी बार सेम वैसे ही, जो ए सी बाद में सी है तो सी बार माइनस फर्स्ट वन ए बार यहीं पर कर देते, सी क्या है देखो आई प्लस जे प्लस के माइनस ए बार क्या है देखो आई माइनस जे प्लस के, तो आई माइनस आई कैंसिल हो गया, जे माइनस माइनस प्लस जे तो टू जे कैप और के माइनस प्लस माइनस के कैप तो ये भी कैंसिल हो गया, तो जो ए सी बार आया वो टू जे के कैप ये आया। तो ये अभी आप इक्वेशन नंबर वन टू ऐसे कर सकते हो, ए सी आ गया ए बी आ गया ए सी आ गया, अभी ए डी की बात करते हैं, जो ए डी बार है वो कैसे आएगा देखो वापस से, जो डी है स्मॉल डी बार माइनस स्मॉल ए बार इस तरह से करते हैं, पहले ए डी है ना तो पहले लास्ट वाला डी लेना बाद में ए लेना इस तरह से, अब यहीं पर करो डी बार क्या है देखो डी टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के माइनस ए बार, माइनस ए बार क्या है आई माइनस जे प्लस के, याद रखो छोटी भी मिस्टेक मत करना, एक छोटा सा प्लस माइनस का मिस्टेक पूरा जो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2i माइनस आई वन आई कैप माइनस थ्री जे प्लस वन जे माइनस टू जे कैप और प्लस फोर के माइनस वन के प्लस थ्री के कैप आया, तो ये क्या आ गया ए डी बार, आप एरो लगा सकते हैं या सीधा ऐसे लिखते हो तो भी चलेगा इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें देखो ए बी बार की वैल्यू मिली है यहाँ पर, ठीक है इसको हमें काम कर दे इतना ही रखते कॉमन नहीं लेते, वन ए बी बार की वैल्यू मिल गई है, ए सी बार की वैल्यू मिली ए डी बार की, अब क्या करो इन तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन शो करना चाहिए क्योंकि ये कोप्लेनर चेक करना है, अगर ये तीनों वेक्टर ए बी ए सी ए डी अगर ये तीनों जो वेक्टर है अगर एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गए तो हम बोलेंगे जो दिए हुए पॉइंट्स है वो कोप्लेनर है, ठीक है तो कैसे करेंगे देखो, अब ये तीनों वेक्टर में देखो कौन सा वेक्टर है थोड़ा बड़ा दिख रहा है वैल्यूज़ में, तो ये देखो इसमें आई जे के तीनों है, यहाँ पर आई जे है ये, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इन टर्म्स ऑफ ए डी बार ऐसे लेते हैं ए डी बार इज इक्वल टू ए सी बार और ए बी बार इस तरह से लेते ए सी बार प्लस ए बी बार इस तरह से करते और यहाँ टी वन और टी टू इस तरह से देखते क्या हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या T1 और T2 की वैल्यू आएगी। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या पहले AD बार ही लिखना चाहिए, हम कोई भी पहले लिख सकते हैं, आप AB बार भी पहले लिखोगे तो चलेगा, AC बार पहले लिखोगे तो भी चलेगा, किसी को एक को पहले लिखना है और बाकी दो को बाद में लिखना है, तो अब देखते आगे क्या होता है। AD बार क्या है देखो I, अब करना कैसे है जैसे मैंने अभी आपको फिफ्थ और सिक्स्थ बताया था सेम वे से करना है, हमको करना क्या है क्या ये कोप्लेनर है वो बताना है, कोप्लेनर तभी होंगे ये जब ये थ्री वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी आएगा जब T1 और T2 की वैल्यू फाइंड होगी और वो वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, यूनिक का मतलब कि T1 और T2 की एक अकेली एक वैल्यू आना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि T1 इज इक्वल टू टू एंड T और T1 इज इक्वल टू थ्री, एक ही वैल्यू आना चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो चलो इसको हम सॉल्व करते ए डी बार यहाँ से देख लेते क्या है, आई कैप माइनस टू जे प्लस थ्री कैप, I कैप माइनस टू जे प्लस थ्री के कैप, टी वन ए सी बार यहाँ से देखोगे ये टू जे ओनली टू जे और प्लस टी टू ए बी बार की बात करेंगे ए बी बार माइनस टू आई प्लस टू जे। एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ए डी बार पहले लेना है या कोई और पहले लेना है तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी को भी यहाँ ले सकते हो ए सी और ए बी दोनों, ये आपके ऊपर डिपेंड है, तीनों में से कोई भी एक यहाँ ले सकते हैं। अब हमको कैसे भी करके कंपेयर करना है दोनों साइड को, यहाँ क्या हो जाएगा T1 into 2 तो 2T1 J cap और यहाँ पर माइनस टू आई है तो माइनस T2 into माइनस तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2T2 I cap और T2 into 2 तो 2T2 J cap। अब क्या करेंगे देखो हम लोग जो I cap है वो कौन है माइनस 2T2 I cap ये रहा
आई वाला और जे वाले दोनों को एक साथ ले लो, प्लस 2t1 और 2t2, 2t1 प्लस 2t2 जे कैप। इस तरफ क्या बचा है, आई कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप, ये ऐसे बचा है। अब कंपेयर करते हैं, आई कैप के साथ क्या है, देखो माइनस 2t2 ये है, दैट इज यहाँ आई के साथ क्या है 1, यहाँ देखो जे के साथ क्या है 2t1 प्लस 2t2 ये दैट इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ के कैप नहीं है, के कैप के साथ 0 है, तो यहाँ पर देखो के कैप के साथ 3 है, बट यहाँ तो के कैप के साथ क्या है कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये एक मिसमैच हो रहा है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो t2 क्या आ गया माइनस 1/2, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, अगर t2 माइनस हाफ है तो 2t1 प्लस 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस 2, 2t1 ये कैंसिल होके माइनस 1 आया इक्वल टू माइनस 2, 2t1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 1 माइनस 1, t1 इज इक्वल टू माइनस हाफ आया, देखो t2 माइनस हाफ आया और t1 माइनस हाफ आया, लेकिन यहाँ मेन जो है ये क्या है 0 आ रहा है, यहाँ k, यहाँ देखोगे k का कोएफिशिएंट 3 है और k का कोएफिशिएंट 0 है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से आप लिख सकते हो, यहाँ k जो है 0 है, यहाँ k का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 और 0 इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि गिवन वैल्यूज ऑफ t1 एंड t2 योर गिवन लीनियर कॉम्बिनेशन डज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर द गिवन वैक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर। ये तो ऐसे आया अगर मैंने ए डी बार, ए सी बार और ए बी बार लिया, क्या होगा अगर अलग कॉम्बिनेशन लेंगे, तो कुछ वैल्यूज चेंज आएगी, वो भी करके देख लेते इसी क्वेश्चन को अलग लीनियर कॉम्बिनेशन से, आंसर वही आएगा। अभी हमारा आंसर क्या है कि कोप्लेनर नहीं है, ठीक है कोप्लेनर नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है टेक्स्ट बुक में देखिए, हमको चेक करने के लिए कहा गया आर द फोर पॉइंट्स कोप्लेनर, सो हमारा आंसर है कोप्लेनर नहीं है, ये आंसर हो गया था। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरा तरीका करके देखते हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन था ए बी ए सी ए डी, ए बी को पहले लेते हैं, ए बी बार इज इक्वल टू टी वन ए सी बार प्लस टी टू ए डी बार, तो क्या वही आएगा या कोप्लेनर आ जाएगा, क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। देखते हैं ए बी बार क्या है, माइनस टू आई प्लस टू जे, टी वन ए सी, ए सी इज टू जे प्लस टी टू ए डी बार, ए डी आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। मैं आपको हर एक कंडीशन बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओ, कैसे भी करो आपका आंसर जो आ रहा है उसको आप परफेक्ट बता पाओ कि कैसे मेरा आंसर आया है। यहाँ पर ये गया तो टी टू आई कैप माइनस टू टी टू जे कैप प्लस थ्री टी टू के कैप, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जे आई कैप पहले ले लो, टी टू आई कैप पहले आ गया, ओके अभी जे कैप में देखो यहाँ टू टी वन माइनस टू टी टू है, टू टी वन माइनस टू टी टू जे कैप, और यहाँ पर थ्री टी टू के कैप आया, यहाँ के कैप भी आया। लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, यहाँ पर माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जीरो के कैप, वापस से वही जीरो वाला कंसेप्ट याद रखो, ये जीरो यहाँ मैच हो रहा है कि नहीं, देखो आई के साथ टी टू है, कंपेयर कर रहे हैं टी टू, टी टू इज इक्वल टू माइनस टू आ गया, पहले तो टी टू की वैल्यू आ गई, अभी कॉम्बिनेशन हमने चेंज किया इसलिए टी वन टी टू अलग आ रहा है, पहले कॉम्बिनेशन अलग था इसलिए वो आ रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आगे देखो हर कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यूज अलग होती है, 2t1 माइनस 2t2 ये जो j का कोएफिशिएंट है, यहाँ j के साथ 2 है इज इक्वल टू 2, एंड जो थर्ड होगा ये थर्ड k के साथ क्या है 3t2 ये, और यहाँ k के साथ है 0। अब देखो t2 की यहाँ पर वैल्यू माइनस 2 आई है, और यहाँ पर देखोगे t2 जो है क्या आ रहा है 3 वहाँ पे गया तो 0/0। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, t2 यहाँ माइनस 2 आया और t2 0 आया, तो एक t2 जो है यूनिक होना चाहिए था, उसकी दो अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकती है एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ t1 निकालने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज t2 ही दो बार आपने देख ला अलग है, इसलिए हम क्या बोलेंगे दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल सिंस द वैल्यू ऑफ t2 इज नॉट यूनिक, देयरफॉर दीज थ्री वैक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर। ये यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, देयर
since value of t2 is not unique, ऐसे लिखना है, therefore AB bar, AC bar, AD bar are not coplanar, या तो non coplanar, therefore given points A, B, C, D are not coplanar. इस तरह से आपको लिखना है जो मैंने आपको लिख के भी दिया. इस तरह से सेवेंथ वाला क्वेश्चन करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो हमने पहले किया था, लेकिन हर बार जो फोर फिफ्थ सिक्स में कोप्लेनर था या लीनियर कॉम्बिनेशन तो वो आ रहा था. इस क्वेश्चन में ये सीखने मिला कि कोई भी जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाते तो कैसे चेक किया जाए, कैसे अगर एक ही जो स्केलर मल्टीपल टी वन या टी टू की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है एक ही का, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे. इसके पहले जो मैंने बताया था वो भी राइट था, वहाँ पर आप दिखा सकते हो कि जो के का कोएफिशिएंट जीरो था, और ये भी सही है, आप इसी को यहाँ लोगे तो भी सही आएगा.